नमस्कार दोस्तों, अगर आप कभी सऊदी अरब जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये वहाँ के व्हाट्सएप चलाने वाले नियम को जान लें, नहीं तो हो सकता है आपको सऊदी अरब में 5 साल का जेल में गुजारना पड़े। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि सऊदी अरब में व्हाट्सएप को लेकर एक नया कानून बनाया गया है, जिसमें आप यदि किसी को रेड हार्ट इमोजी भेजते हैं या फिर आप किसी दूसरे टाइप का भेजते हैं जिससे दूसरे को ठेस पहुँचती है, तो इसके लिए वहाँ पर आपको 5 साल का सज़ा का प्रावधान किया गया है। इस कानून का यदि कोई उल्लंघन करता है, इसके लिए उसको 5 साल की जेल और 20 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। सऊदी अरब में एंटी फ्रॉडी एसोसिएशन के सदस्य अल मोहताज कुतबी ने कहा कि अगर ऑनलाइन बातचीत के दौरान यदि कोई रेड हार्ट वाला इमोजी भेजता है या फिर गलत तरीके का इशारा करता है तो उसे क्राइम माना जाएगा। दोस्तों, सवाल ये आता है कि व्हाट्सएप तो एक इन टू इन इंक्रिप्शन बेस्ड मैसेज प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि दो लोग यदि बातचीत कर रहे हैं तो उसमें तीसरा कोई और नहीं देख सकता, तो कैसे पता लग सकेगा कि किसने किसी को रेड इमोजी भेजा। तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि दो लोग यदि व्हाट्सएप पर मैसेजिंग कर रहे हैं, उसमें से किसी ने रेड हार्ट इमोजी भेज दिया या फिर गलत तरीके का इशारे का इमोजी भेज दिया, तो इसको लेकर जो है कि यदि किसी को रेड हार्ट इमोजी भेजते हैं और वो बंदा यदि शिकायत करता है तो जाकर यह कानून लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई शिकायत करता है तभी जाकर यह कानून लागू होगा। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरब में व्हाट्सएप को लेकर इतना बड़ा कानून बना दिया है। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि सऊदी अरब ने कोई नया कानून लाया हो, इससे पहले भी वो कानून लाया है। पिछले साल नवंबर में सिर्फ एक व्यक्ति को ग्रुप से हटाने पर उस पर जुर्माना लगा दिया था। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किस तरह का कानून चलता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब का कहना है कि इस तरह से ऑनलाइन हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सकता है। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।